देवरिया से ब्यूरो चीफ आदित्य नारायण मिश्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी द्वारा धन्वंतरी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता। आज उपरा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मां सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी की अध्यक्षता में धन्वंतरी सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व बाल संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आलोक पांडेय, उप जिलाधिकारी बरहट सुनील कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय, क्षेत्र अधिकारी भाटपार रानी पंचम लाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह, प्रभारी AHTU बदरुद्दीन खां, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका प्रतिनिधि डॉक्टर रीता सिंह, जिला प्रोबेशन कार्यालय कार्मिक ओम प्रकाश यादव व राकेश कुमार एवं महिला शक्ति केंद्र BCPU, वन स्टॉप सेंटर चाइल्ड लाइन कोलैब रेलवे खुला आश्रय गृह पौध उपयुक्त संस्था श्याम सुंदर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के कार्मिकों ने प्रतिभाग किया। जनपद देवरिया के ब्लॉक रुद्रपुर के ग्राम सभा मदनपुर में स्थित अंजुमन इस्लामिया मदरसा नवीन संचालित थाना HTU एवं राजकीय बाल गृह बालक का निरीक्षण किया गया। बाइट सुचिता चतुर्वेदी। आज देवरिया में मेरा निरीक्षण था और समीक्षा बैठक थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित बाल सेवा योजना को लेकर। कोविड काल में जो परिवार एकल परिवार हो गए या किसी बच्चे के माता पिता दोनों की डेथ हो गई तो उनको लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाल सेवा योजना है उसकी आज समीक्षा यहाँ पर की है। क्योंकि सभी विभाग स्वास्थ्य बेसिक ICDS जितने भी विभाग हैं वो सभी विभाग इस योजना से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज सभी को यहाँ पर बुलाया गया। पुलिस विभाग सभी विभाग यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपनी अपनी प्रगति यात्रा यहाँ पर प्रस्तुत की। यहाँ पर 101 बच्चे ऐसे अभी तक चिन्हित किए गए हैं जिनको कि बाल सेवा योजना से जोड़ा गया है। 5 बच्चे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन बच्चों के पास कोविड का सर्टिफिकेट नहीं था जिस परिवार के पास, और उन बच्चों को यहाँ श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, उनसे कहा गया है कि इन बच्चों को बाल श्रम विद्या योजना से जोड़ा जाए। उस परिवार की महिला या पुरुष जो भी एक बच्चा हो उसको श्रम विभाग में पंजीकृत कराया जाए श्रमिक के तौर पर, जिससे कि श्रम विभाग की योजना उससे वो बच्चा वो परिवार लाभान्वित हो सके। थर्ड वेव को लेकर क्या तैयारी हुई है? थर्ड वेव को लेकर चूँकि कहा जा रहा है कि थर्ड वेव कहीं ना कहीं बच्चों पर असर करेगी, तो इसलिए आज यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO साहब उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ के P2 वार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि यहाँ जिला अस्पताल में लगभग 17 बेड तैयार हैं। इस तरीके से उन्होंने लगभग CSC से लेकर PSC तक के सभी वार्डों की यहाँ पर P2 वार्ड को लेकर चर्चा की। बच्चे अनाथ हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं उनके बारे में? हाँ, उनके बारे में, वो 5 बच्चे हैं और वो बच्चे पांचों अपने परिवार में रह रहे हैं और उस परिवार का फॉलो अप जो है वो यहाँ के DPO साहब बराबर करेंगे कि वो बच्चे स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। सुविधा मैंने कहा ना कि जो बच्चे पूरी तरीके से निराश्रित हो गए उनको मुख्यमंत्री की बाल सेवा योजना से जोड़ा गया है और जहाँ पर 4,000 रुपये प्रतिमा उन बच्चों को दिया जाएगा।